दोस्तों पीपल फॉर इंडिया चैनल पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और हम हैं हापुड़ के रामलीला ग्राउंड के बाहर। दोस्तों जी हां, मेला लगा है दशहरे का और आज हम हापुड़ दशहरा मेले में ही आपको अंदर लेकर के चल रहे हैं दोस्तों। तो एक बार फिर आप सभी का पीपल फॉर इंडिया चैनल पर बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। हापुड़ दशहरा मेले का ये व्लॉग और अंदर चलते हैं, रामलीला ग्राउंड का ये गेट है दोस्तों। तो आज हम आपको हापुड़ का मशहूर दशहरा घुमा कर लाते हैं दोस्तों। बने रहिए इस ब्लॉग में हमारे साथ। देखिए बाएं तरफ ये जो मिठाई बिक रही है इसको खजला बोलते हैं दोस्तों। अभी बाद में फिर एक बार हम आपको दिखाएंगे इसको, और ये अक्सर मेलों में ही आपको बिकती हुई दिखाई देगी। देखिए जो मीठे के शौकीन हैं उनको देखते ही मुँह में पानी आ जाता है दोस्तों। इसको खजला बोलते हैं दोस्तों, मशहूर मिठाई होती है, मेलों में अक्सर बिकती हुई दिखती है दोस्तों, और यहाँ हापुड़ दशहरा मेले में भी बिक रही है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए तमाम दुकानें आपको लगी हुई दिखाई देंगी मेले में। बाएं तरफ देखिए चश्मे आपको बिकते हुए दिखाई दिए। फिर एक बार दिखा दिया हमने आपको मिठाई जो होती है मशहूर मेले की, खजला इसको बोलते हैं। तो जो खजला बेक रहे थे ये भाई, इनसे हमने जब पूछा कि आप कितनी दूर से यहाँ पर दुकान लगाने के लिए आएँ, तो इन्होंने बताया कि हम डिबाई से यहाँ पर आए हैं। तो डिबाई हापुड़ से काफ़ी दूरी पर है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी दूर दूर से दुकान लगाने के लिए यहाँ लोग आते हैं दोस्तों। बहरहाल आगे बढ़ते हुए आपको मेला दिखाते हुए चलते हैं, हापुड़ दशहरा मेला। और हापुड़ अपने आप में अब ज़िला बन गया है दोस्तों। पहले कभी किसी ज़माने में गाज़ियाबाद ज़िले का ही हिस्सा हुआ करता था हापुड़, लेकिन अब अपने आप में एक अलग ज़िला और उत्तर प्रदेश राज्य का ज़िला है हापुड़ आज की तारीख में। और पहले उत्तर प्रदेश राज्य के गाज़ियाबाद ज़िले का हिस्सा हुआ करता था हापुड़। तो हापुड़ में ही जो है दिल्ली मेरठ रोड पर है रामलीला ग्राउंड, और उसी में अंदर जो है जो मेला लगा है दशहरे के दौरान, तो रामलीला ग्राउंड में उसी को हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, उसी के दृश्य आपके साथ साझा कर रहे हैं। तमाम दृश्य आप देखते चलिए, तमाम दुकानें सजी हुई हैं, और मेले में अक्सर जिन जिन चीज़ों की दुकानें आती हैं वो तमाम दुकानें यहाँ पर आपको दिख जाएंगी दोस्तों। बच्चे बड़े सभी मेले का आनंद उठाते हुए आप देख सकते हैं। और इस मेले की एक खासियत है जो मुकाबले और दूसरे मेलों के हमने देखी, कि यहाँ पर जो है दोनों ही संप्रदाय के लोग उसी मन भावना से यहाँ मेला देखने के लिए आते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का जैसे प्रतीक बन गया है हापुड़ का दशहरा मेला दोस्तों। मुस्लिमों की अच्छी खासी तादाद है हापुड़ ज़िले के अंदर, हापुड़ शहर के अंदर, तो भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी दशहरा देखने पहुँचते हैं। और ये एक सामुदायिक सद्भाव की, साम्प्रदायिक आपसी सद्भाव, प्रेम और प्रीत की जो है हमको यहाँ पर मिसाल देखने को मिली। तो हापुड़ दशहरा मेला एक गंगा जमुना तहजीब को जैसे साबित करता है, आपसी प्रेम और सद्भाव को जैसे बढ़ाता है दोनों धर्मों के बीच में, दोनों संप्रदाय के बीच में दोस्तों। तो हापुड़ मेले में आप हमारे साथ अंदर जो है इस समय तमाम दृश्य देखते हुए चल रहे हैं दोस्तों। और हापुड़ का ये मशहूर दशहरा मेला लंबा देहात पड़ता है चारों तरफ हापुड़ शहर के, और तमाम देहात से जुड़े हुए लोग अक्सर हापुड़ के रामलीला मैदान में जब ये मेला आयोजित प्रतिवर्ष होता है तो पहुंचते हैं। ये देखिए मेले का जो सबसे मुख्य आकर्षण बच्चों के लिए होता है, निशाना साधने के लिए आर्टिफिशियल या जो है एयर गन, जिससे गुब्बारे पर निशाना लगाते हैं लोग जो है, ये देखिए। तो तमाम दुकानें आपको दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं पीपल फॉर इंडिया चैनल दोस्तों। और तमाम नए साथियों से अनुरोध है, गुजारिश है, या उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे आने वाले नए व्लॉग उनको समय से मिल सकें दोस्तों। आगे बढ़ते हुए मेले के तमाम और आगे दृश्य आपको दिखाते हुए चल रहे हैं। ये देखिए भारत का शान से लहराता हुआ तिरंगा झंडा जो है इलेक्ट्रिक तरीके से बनाया गया है, ये देखिए डिजिटल तिरंगा, और गौरवान्वित करता है तमाम भारतीयों को जब वो देखते हैं अपने तिरंगे को दोस्तों। ये देखिए बड़ा झूला, और अक्सर मेले में बिना बड़े झूले के जैसे मेला अधूरा रहता है, तो इसमें भी दो बड़े झूले लगाए गए हैं दोस्तों दशहरा मेले में हापुड़ के, और उसका आनंद उठा रहे हैं लोग दोस्तों।
तमाम छोटे बड़े झूले, तमाम दुकानें यहाँ पर दूर दूर से दुकान लगाने के लिए लोग आते हैं। पुराना जो है सैकड़ों बरस से लगता हुआ आ रहा है ये मेला हापुड़ में दोस्तों। और हापुड़ एक बहुत पुराना कस्बा रहा और उसके बाद गाजियाबाद ज़िले का हिस्सा रहा और आज अपने आप में एक तेज़ी से विकास की रफ्तार पकड़ता हुआ अपने आप में एक ज़िला है दोस्तों। उत्तर प्रदेश राज्य के हापुड़ शहर के दशहरा मेले में इस समय आप इस व्लॉग में हमारे साथ ये तमाम दृश्य देख रहे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं इसको पीपल फॉर इंडिया चैनल पर दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ये विशेष अनुरोध है आप सभी से। ये देखिए तमाम तरीके के झूले आपको मेले में अक्सर जो दिखने में आते हैं यहाँ भी मिल जाएंगे दोस्तों। मिक्की माउस, तो तमाम लोग यहाँ पर देखिए मेले का आनंद उठा रहे हैं। और हापुड़ का जो मेला है वो मशहूर मेला एक रहा है अरसे से दोस्तों, और तमाम लोग जो है दशहरे पर इस मेले के जब भव्य आयोजन होता है तो इसका आनंद उठाने के लिए रामलीला ग्राउंड में पहुंचते हैं दोस्तों। तमाम तरीके की दुकानें आपको देखने को मिल रही हैं और ये तमाम दृश्य आप साझा कर रहे हैं पीपल फॉर इंडिया चैनल पर दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब मैं फिर कह रहा हूं कि आप जब करते हैं तो इससे हमारा हिम्मत और हौसला बढ़ती है और उसी हौसले पर आगे हम काम कर पाते हैं और आपके लिए अच्छे व्लॉग बना करके ला पाते हैं दोस्तों। और तमाम नए जो साथी हैं उनसे खास करके जो पहली दफ़े हमारा वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच हम देखिए रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ जो तीनों उनके पुतले बनाए गए हैं दोस्तों उनके पास अब हम जा करके आपको दृश्य दिखा रहे हैं। अभी और नज़दीक जा करके भी हम आपको क्लियर एक बार और इनका व्यू दिखाएंगे दोस्तों। तो इससे पहले जो दो व्लॉग हमने डाले रामलीला ग्राउंड कवीनगर की रामलीला मैदान मेले का और गाजियाबाद के रामलीला मैदान में आयोजित मेले का, तो उनमें जब हमने वो व्लॉग बनाए तो तब तक जो है रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के जो पुतले रामलीला मैदान में रामलीला के दौरान जो है दशहरे के पर्व के पहले खड़े किए जाते हैं दहन के लिए, तो वो तब तक नहीं लगाए गए थे तो उनको हम नहीं दिखा पाए। लेकिन जब अब हापुड़ में हम इस मेले के आयोजन में यहाँ पर जो है पहुँचे आपके लिए व्लॉग बनाने के लिए, तो यहाँ पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ तीनों के ही हमको यहाँ पुतले दिखाई दिए तो हमने इनको आपके साथ साझा किया दोस्तों। दशहरे के दिन रात को इनको एक एक करके तीनों को दहन किया जाता है और एक जो पुरानी परंपरा चली आ रही है ये देखिए अंदर। इसी बीच हम आ चुके हैं आपको उस पोर्शन में दिखा रहे हैं तमाम दृश्य आपको जहाँ पर और अन्य दुकानें लगी हैं, तो आप देखते रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं पीपल फॉर इंडिया चैनल दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब मैं फिर अनुरोध करता हूँ जरूर कर दीजिएगा। तमाम नए साथी एक बार फिर उनसे अनुरोध है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। और कई अच्छे व्लॉग हम आपके लिए ला रहे हैं और ये व्लॉग जो है आपको जल्द ही हम दिखाएंगे आने वाले समय में। कई व्लॉगों पर हमारा काम चल रहा है दोस्तों, तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें। देखिए तमाम तरह की दुकानें आप देख सकते हैं यहाँ पर लगी हुई हैं दोस्तों। ये देखिए दूर दूर से दुकान लगाने के लिए, सजाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं दुकानदार दोस्तों भिन्न भिन्न ज़िलों से, और दो पैसे के कमाने की चाहत में, आस में, उम्मीद में मेलों के आयोजन के दौरान ये जो है दुकान लगाने वाले लोग अलग अलग जगह से पहुंचते हैं। और जब हम जैसे आप जैसे लोग मेला देखने के लिए जाते हैं, ख़रीदारी करते हैं, तो उससे इनको रोज़गार हासिल होता है। और जैसे कि जो है मेले का जो आयोजन का जो परिपूर्ण मकसद है वो तभी पूरा हो पाता है कि इससे लोगों को रोज़गार भी हासिल होता है, पुरानी परंपराएं भी जीवित रहती हैं और आपसी सौहार्द भी पनपता है, एक साथ लोग आयोजन में शामिल होते हैं दोस्तों। तो हापुड़ का दशहरा मेला हापुड़ शहर के रामलीला मैदान में इस समय हम आपके साथ हैं। देखिए बड़ा झूला और तमाम दृश्य आप पीपल फॉर इंडिया चैनल पर देख रहे हैं दोस्तों। हापुड़ दशहरा मेला हापुड़ शहर में इस समय रामलीला मैदान से आपको हम दिखा रहे हैं दोस्तों। भव्य मेले का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है हापुड़ के रामलीला मैदान में और सैकड़ों वर्षों से ये परंपरा यहाँ पर चलती हुई आ रही है और आसपास के दूर दराज देहात क्षेत्र के तमाम लोग मेले में शामिल होने के लिए
मेले का आनंद उठाने के लिए दूर दूर से पहुंचते हैं दोस्तों। तो हापुड़ का दशहरा मेला हम भी पहुंचे आपके लिए। इससे पहले हम अपने चैनल पर कविनगर रामलीला मैदान का दशहरा मेला आपको दिखा चुके हैं। रामलीला मैदान गाजियाबाद घंटाघर रामलीला मैदान का मेला आपको हम दिखा चुके हैं दोस्तों, और इस बार हम इस व्लॉग में आपको दिखा रहे हैं हापुड़ का दशहरा मेला दोस्तों। तमाम दृश्य आपके साथ साझा कर रहे हैं, ये देखिए। और हम आपको झूले दिखा देते हैं, तमाम तरीके के छोटे बड़े झूले बच्चों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र होते हैं। और ये देखिए रामलीला मंचन का मंच सजा है। अभी चूँकि समय है रामलीला के आयोजन में, तो अभी चूँकि पर्दा डला है, लेकिन यहीं भव्य मंचन रामलीला का किया जाता है और कलाकार जो है अपनी अपनी प्रस्तुति यहां पर देते हैं। ये देखिए भव्य मंच रामलीला मैदान में रामलीला मंचन के लिए, और यहीं पर रामलीला का मंचन कलाकार अपनी प्रस्तुति देते हैं, किया जाता है यहाँ पर। तो दोबारा से हम आपको दिखा देते हैं, छोटे बड़े तमाम झूले यहाँ पर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। हापुड़ का दशहरा मेला आप देख रहे हैं, और इस व्लॉग को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं पीपल फॉर इंडिया चैनल पर दोस्तों। तमाम तरीके के झूले आपको देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पर जो है, और बच्चे बड़े सभी आनंद उठा रहे हैं दशहरा मेला हापुड़ का दोस्तों। उत्तर प्रदेश राज्य का ज़िला है हापुड़, और गाजियाबाद से दिल्ली जाते में बाएं हाथ पर रामलीला मैदान पड़ता है। हापुड़ के मुख्य तहसील चौराहे से लगभग 500 मीटर पहले, और उसी रामलीला मैदान में प्रतिवर्ष आयोजित हो रहा है भव्य दशहरा मेला, और उसी के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। हापुड़ का दशहरा मेला रामलीला ग्राउंड से तमाम दुकानें एक बार फिर हम आपको व्यूज़ दिखा रहे हैं अलग अलग जो मेले के हिस्सों में जा कर के। इस मेले के हिस्से में तमाम आपको कोशिश रहती है कि सभी दृश्य दिखा पाएँ। तो ये देखिए बच्चे किस तरीके से आनंद उठा रहे हैं। हापुड़ का दशहरा जो है मशहूर है, और एक और झूला आप देख सकते हैं, बड़ा झूला अभी आपने देखा दोस्तों। तो और अच्छे व्लॉग आपके लिए लगातार हम उन पर काम कर रहे हैं, इसीलिए गुजारिश करते हैं कि जो नए साथी पहली दफ़े हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे हम जब वीडियो अपलोड करें, व्लॉग अपलोड करें, तो वो समय से आपको भी हासिल हो जाए दोस्तों। पीपल फॉर इंडिया चैनल और दशहरा मेला हापुड़ का ये दृश्य आप देख रहे हैं दोस्तों। मुख्य रोड पर दिल्ली मेरठ रोड पर है रामलीला ग्राउंड हापुड़ सिटी के अंदर, हापुड़ ज़िले में, और वहीं प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है हापुड़ का दशहरा मेला, और इस बार भी भव्य मेले का आयोजन किया गया है दोस्तों, और उसी के तमाम दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं हापुड़ का दशहरा मेला दोस्तों। ये तमाम चीज़ें जो है जैसे कि एक मेमोरियल होती हैं, और एक जब बच्चे मेलों में जाते हैं बचपन में, तो वो यादें जैसे कि जो है तमाम ज़िंदगी के लिए एक मेमोरी में जैसे फीड हो जाती हैं, और जब उनको याद करते हैं तो एक अलग रोमांच का अनुभव करते हैं हम बड़े होकर। ये देखिए किस तरीके से झूले का आनंद लेते हुए आपको दिख रहे हैं लोग यहाँ पर। तमाम तरीके के झूले यहाँ पर लगाए गए हैं, और लोग उसका देखे किस तरीके से आनंद उठा रहे हैं हापुड़ के दशहरा मेले में दोस्तों। पीपल फॉर इंडिया चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और जो है इस भव्य मेले के आयोजन को हम भी देखने के लिए पहुँचें, और आपके साथ इस व्लॉग में तमाम दृश्य को आपके साथ साझा कर रहे हैं दोस्तों। भव्य मेले का आयोजन प्रतिवर्ष यहां आयोजित किया जाता है। दूर तक मशहूर है हापुड़ का दशहरा मेला, और दशहरे के दिन ऐसा माना जाता है कि लाखों लोग उमड़ते हैं इस मेले में, वो भारी भीड़ होती है। ये देखिए एक बार फिर हमने कहा था कि एक बार और नज़दीक जा कर के हम आपको व्यूज़ दिखाएंगे। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के तीनों के पुतले यहाँ पर बनाए गए हैं, और इनको देखने के लिए बच्चे बहुत उत्साहित हो रहे हैं हमने देखा, और बच्चों में एक अलग रोमांच का अनुभव यहाँ पर उनको करते हुए देखा हमने। ये देखिए मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण के पुतले प्रतीक स्वरूप 10 सिर बनाए गए हैं रावण के। तो
मेले में जो है तमाम बच्चे जो है इनको देखने के लिए आ रहे हैं और उत्साहित और रोमांचित हमने देखा बच्चों को कि ये देखिए रावण का पुतला, वो देखिए रावण का पुतला, वो देखिए रावण। तो हापुड़ के दशहरे मैदान से हम इन तमाम दृश्यों को आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। इससे पहले हम कविनगर रामलीला मैदान और गाजियाबाद घंटाघर रामलीला मैदान में आयोजित मेले के व्लॉग हम आपके लिए अपलोड करके आपको दिखा चुके हैं। उनको जो नए साथी हैं जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इस बार ये हापुड़ दशहरा मेला हापुड़ ज़िले के हापुड़ शहर में रामलीला मैदान में जो आयोजित है और पीपल फॉर इंडिया चैनल पर आप इसको देख रहे हैं दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और तमाम नए साथियों से गुजारिश है कि वो आने वाले वीडियोस को भी हमारे व्लॉग्स को ज़रूर देखिएगा। आप देख रहे थे पीपल फॉर इंडिया चैनल दोस्तों। आखिर में जो है हमने जहां मिठाई बिक रही थी खजला जिसको बोलते हैं वहां से व्लॉग शुरू किया था और वहीं पर ले जाकर के हम आपको आपके लिए जो इस व्लॉग को लाए थे जाकर समाप्त कर रहे हैं दोस्तों। नए व्लॉग का इंतज़ार कीजिए, फिर एक नए व्लॉग में जो है बहुत अच्छे तरीके से हम जो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए व्लॉग ला रहे हैं, तो चैनल को लगातार देखते रहिएगा दोस्तों। इस बार आप देख रहे थे हापुड़ दशहरा मेला और मैं फिर बता दूं उत्तर प्रदेश राज्य के हापुड़ ज़िले में हापुड़ शहर के रामलीला मैदान में प्रतिवर्ष आयोजित होता है और इस बार भी भव्य मेले का आयोजन वहां पर दशहरे के मेले में का किया गया है दोस्तों। और हम आपके लिए व्लॉग बनाने के लिए वहाँ पर पहुँचे और आपके साथ जो है इस व्लॉग को साझा किया। व्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट्स का हमको इंतजार रहेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आप देख रहे थे पीपल फॉर इंडिया चैनल और फिर एक नए व्लॉग में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी और तब तक जो है इस व्लॉग का भी आनंद लीजिए। और इससे पहले जो नए साथी हैं उनके लिए खास करके मैं कह रहा हूँ कि तमाम जो पहले हमारे व्लॉग अपलोड हैं जैसे कि हापुड़ का के अगर कोई दर्शक पहली दफ़ा हमारे चैनल को देख रहा है तो हापुड़ स्टेशन का भी हमने अपलोड किया हुआ है वीडियो, वो तो और तमाम नए जो पुराने वीडियोज़ हैं उनको भी वो जा कर के देख सकते हैं। बहरहाल व्लॉग को समाप्त करते हैं। हापुड़ दशहरा मेले का जो आयोजन हापुड़ के रामलीला ग्राउंड में किया गया है उसका व्लॉग आपके साथ पीपल फॉर इंडिया चैनल पर हम आपसे साझा कर रहे थे। लाइक शेयर सब्सक्राइब की गुजारिश के साथ व्लॉग को समाप्त करते हैं। नए व्लॉग में बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी और तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए व्लॉग में मिलेंगे। और तब तक जो है आप देखते रहिए, आप देख रहे थे पीपल फॉर इंडिया चैनल दोस्तों।